मुरैना में शराब कांड के बाद क्षेत्र की जनता भी जागरूक हो गई है, जिसके परिणाम भी अब दिखने लगे हैं। मामला संबलगढ़ सिगारदेग गांव का है, जहां गांव की एक दर्जन आदिवासी महिलाओं ने रामपुर पुलिस थाने का घेराव करते हुए गांव में शराब की दुकान बंद कराने के लिए थाना प्रभारी को आवेदन दिया। महिलाओं ने कहा कि गांव में अवैध शराब का धंधा किया जा रहा है, उनके पति शराब पीकर मारपीट करते हैं और बच्चे को भी शराब पीना सीख रहे हैं, जिससे उनका भविष्य चौपट हो रहा है। हमारा यही निवेदन है दरोगा जी से कि हमारे गांव में से दारू बंद की जाए, और अभी बिची जा रही है, दारू बंद ना हुई। बहुत गांव में हमारे में आदमी दारू से खत्म हो गए। दरोगा जी से निवेदन है कि दारू बंद करी जाए, कहीं बहन कहीं महिला दारू पी के अब इनके आदमी खत्म हो चुके हैं, मेरे भी आदमी खत्म हो चुका है, इसीलिए ये दारू सिंगारदे से बंद की जाए। शराब की लेकर आई थी शिकायत करने के उनके गांव में अवैध शराब का वितरण हो रहा है, तो इस संबंध में उनका कल आवेदन भी मिला था, तो आवेदन के बाद ही मेरे द्वारा तुरंत उक्त गांव में जाकर सिंगारदे में जाकर कार्रवाई की गई, और जिन जिन घर के नाम उन महिलाओं द्वारा बताए गए थे, आदिवासी महिलाओं द्वारा, उन घरों पर जाकर मैंने दबिश दी, और दबिश में हमें उन घरों पर कोई दारू नहीं मिली, और उक्त घरों के लोग मजदूरी पर होना बताया गया घर वालों द्वारा।